तो आज है मेरे बेस्ट फ्रेंड की सगाई और मैं सगाई के लिए वैसे बहुत लेट हो गया हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे डायरेक्टली उसकी सगाई में ही मिलता हूँ। दूल्हे का नौकर, देखो इसका काम है ये सब सामान इकट्ठे कर। अरे तुम नौकरी हो। तो इनसे मिलिए, ये है विपिन और टिटला। वैसे मुझे भी नहीं पता कि इसे टिटला क्यों बोलते हैं, बट भाई की पर्सनालिटी पे ये नाम बहुत सूट करता है। विपिन भाई बहुत पैसे वाली पार्टी है, कॉलेज टाइम से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ कभी कभी ज़रूरी अनपढ़ों वाली हरकतें कर देता है, बट हम सब लोग मिलकर इसकी हरकतें सह लेते हैं। वैसे दिल का बहुत अच्छा है। तो ये हमारे दूल्हे साहब, आज इनकी सगाई है, शक्ल दिखाओ ना। और ये है अमरदीप भाई, इन्हीं की सगाई है आज। प्यार से हम इन्हें आशिक भी बुलाते हैं। अब ये मत पूछना क्यों आशिक बुलाते हैं। हमारे ग्रुप के युवा नेता हैं अमरदीप भाई। जब मैं दौर में था तब अमरदीप मेरा फ्लैटमेट भी था। अच्छा, जब अमरदीप जैसा फ्लैटमेट हो तो आपका फ्लैट कभी गंदा नहीं हो सकता। पर ठीक है, अब ज़्यादा मजाक ना उड़ाते हुए आगे बढ़ते हो कि आज अमरदीप की सगाई भी है। भाई ने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, आगे बताऊँगा। क्या पी रहे भैया? हेलो, दिस इज पीटर स्कॉट। पीटर स्कॉट, हां द प्रीमियम ब्लेंडेड व्हिस्की। ओके, जब तक इनको पीने का कार्यक्रम करना। पीटर स्कॉट नॉट स्कॉच। हां यार, जा रहा तू क्या पी रहा है विपिन? ऊपर जा रहा हूं। हैप्पी बर्थडे आना दो। अरे झूठ बोल रहा है। भाई की सगाई निपटा के घर तो आ गए, 12 बज गए। अब मैं सो जाता हूँ, पर ये ब्लॉग हम यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे। इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल भी किसी पार्टी के साथ जाना है। तो आपसे कल मिलते हैं। गुड नाइट। कल रात को घर आते आते 12 बज गए, सगाई में इतना टाइम लग गया। और आज के सीन कुछ ऐसे हैं कि आज है विपिन भाई का बर्थडे, तो आज वहाँ जाना है। बट अभी वहाँ जाने में टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सो लेता हूँ, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती। तो आपसे फिर मिलते हैं। One eternity later. और एलेक्स, चाओ माओ। तो भैया आज विपिन के बर्थडे के लिए नए कपड़े निकाले जाएंगे। तैयार होते हैं। हो गए रेडी, अब जल्दी चलते हैं, अब बहुत गालियां देगा वो। सब लोग पहुंच गए हैं, बस मैं ही एक हूँ जो रह गया हूँ। मैं सो रहा था और विपिन का एक बार फोन भी आ गया। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी पहुंचने की।
इस टाइम ग्वालियर का मौसम इतना खराब है, अक्टूबर में गर्मी हो रही है। तो भैया यहाँ बुलाया है विपिन ने हमें, ये खड़े विपिन भाई। ये सब के सब साले सुबह से भूखे बैठे हैं, इसी इंतजार में कि शाम को दिन में पार्टी मिलेगी तब खाना खाएंगे। एक और है वो तो सुबह नमक का पानी पी रहा था, उसने कहा अब तो दिन में पार्टी में ही खाऊंगा सीधे। वाह वाह अरे तुम पागल हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मांगे का चश्मा, ये लड़का मुझे अनगम मठे पर कर रहा है। ये चल रहा है फोटोशूट। हाँ भाई सस्ता फूड ब्लॉगर ठीक है, अपने तो नहीं खा ले, कोई बात नहीं, तेरा बर्थडे है। ओहो रंग बिरंगी प्याज दे अमन ले ले। चटनी से क्या भाई? ये हमें ये आ रही मिली सब्जी। कौन सी? दाल मंगाई मैंने। क्या दाल मंगाई मैंने? दाल इस होटल में हवन हुआ था, हवन की वजह से हम लोगों की आंखें ऐसी हुई, धुएं से लाल पड़ी है पूरी आंखें। हो गया भैया चले हम घर। हाँ भैया, हाँ भाई यही आता तुम्हें, यही आता है तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी ले चलो। कहाँ चल रहे हो? हम घर जा रहे हैं। घर नहीं आना? नहीं हम घर जा रहे हैं। पाप लगता है घर जाके? ठीक ठीक तो जस्ट अभी घर आया हूँ, और घर आते देखते हो एक पार्सल आया हुआ है मेरे लिए जोमैटो से। क्या आया है? कैविंटस से एक शेक आया है, एक आई है आइसक्रीम। वैसे दोनों की हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये फ्रिज के बाहर रखे हुए थे, किसी को पता ही नहीं था इनके अंदर क्या है। अब ये भेजा किसने? हमारे एक बहुत ख़ास मित्र हैं, जब उन्हें पता चला कि हमने यूट्यूब चालू किया है तो उन्होंने हमारे लिए एक काइंड ऑफ ट्रीट भेजी है। तो भैया आज का पूरा दिन ख़राब करने के बाद अब मन कर रहा है कि थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि आज दिन भर कुछ नहीं पढ़ा, बस सोए हैं और विपिन की बर्थडे पार्टी में गए हैं। तो पढ़ाई चालू करते हैं। ये रहा क्या है, ये ओरिजिनल सर्जन। रात के बज रहे 3 और मेरा सोने का टाइम हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।